आज मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ मेरे मेंटोर, मेरे बॉस, आपका बिग बॉस राधा साहब. तुसी जाना क्यों कश्ती में बैठे हैं, कश्ती डूबने वाली और आपने किसी को बचाना है. उसमें आपके साथ हैं जरदारी साहब, मियां शहबाज शरीफ और इमरान खान. आप किसको बचाएंगे? मैं कश्ती को बचाऊंगा. इनकी कह रहा सब. जो लोग इस वक्त हमारी डेथ विश हमारे बारे में, हमारे शो के बारे में, I can't believe it कि कोई ऐसा भी सोच सकता है. अमानुल्लाह जैसा खलंडरा नटखट शख्स वो बोलता था तो एकदम कहता ना 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 सॉरी सॉरी मैं गलत टाइम पे बोला. कैमरा मेरे ते नहीं है गासी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मायरा खान. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. फ्रेंड्स, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अहम है क्योंकि आज मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ अपनी इंस्पिरेशन का, मेरे मेंटोर और मेरे बॉस, वन एंड ओनली आपका बिग बॉस साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अब सबसे पहले ये बताएं कि आधा घंटा लेट क्यों? सर रोजे रखे हुए हैं, रोजा रख के फॉरन से आना, थोड़ा आई एम रियली सॉरी. पैदल आना था, सहरा उबूर करके आना था. आप DHA रहती हैं, वहीं से निकल के यहाँ पहुँचना था. लेकिन वो आपको पता ना, खवातीन के थोड़े से मसाइल होते हैं, नो मेकअप शेकअप और सारे वो चीजें थोड़ा. अच्छा, मैं सारा दिन ऑलमोस्ट फ्री होता हूँ रमजान में जी. अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी एक रमजान की बरकतों में से एक है कि आपके ऊपर बर्डन कोई नहीं होता जी. कि क्या काम करना है क्या. लेकिन आज इत्तफाक से आपके फौरन बाद FSJ ने आना है. ओ. तो फैसल शेरजान महज दोस्त ही नहीं है, उस्ताद भी हैं. तो अच्छा लगेगा आप और मैं बैठे होंगे, वो बाहर बैठे होंगे, इंतजार भी कर रहे होंगे. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, देख रहे होंगे. माजरत मेरी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा. चलेंगे, सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ हस्बे हाल से खबरदार तक का सफर, ये जर्नी आपकी कैसी रही? ये बड़ा खुशगवार सफर था. यूं समझिए कि इसमें चूंकि मैं महज सीनरी एंजॉय नहीं करता, मैं सफर की सोबतें भी बहुत एंजॉय करता हूँ. अच्छा. जो मुश्किलात होती हैं, कभी गाड़ी खराब हो गई, कभी पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन हर प्रॉब्लम में, हर आजमाइश में और हर खुशी में आपकी छोटी मोटी मतलब एक्सपीरियंस जरूर होता है कोई. तो एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जिसकी एक फी अदा करते हैं, जैसे ट्यूशन फी है वो अदा करके तो एक्सपीरियंस लेते हैं. तो मैं समझता हूँ कि ये फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस था. मैंने लाइफ को बहुत करीब से देखा. इतना खुशगवार सफर था. ये नहीं कि हर रोज अच्छी खबरें होती हैं, बुरी खबरें बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी बुरी खबरें होती हैं, बड़े बड़े मसाइल होते हैं. लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जिंदगी के बेहतरीन एक्सपीरियंसेस में से एक था मेरा. जो ये जो प्रोफेशनल सफर है, इसमें आप न्यूज का चैप्टर भी बड़ा अहम है. उसने भी मुझे इतना कुछ सिखाया है. मुझे लोगों की पहचान शायद ना होती अदरवाइज. ये मेरा नुकसान हुआ है इसमें बड़ा. लेकिन मैं समझता हूँ जब इवेल्युएशन करेंगे, और ये नहीं कि मैं ऐसे ही एक रस्मन कह रहा हूँ, जब प्रॉपर इवेल्युएशन होती तो मैंने उसमें मेरा मुनाफा डबल था समझिए. फाइनेंशियली मैंने लूज किया बिल्कुल, लेकिन मेरी एजुकेशन, मेरी फॉर्मेशन इतनी हुई है कि मैं उसके लिए इससे दुगनी ट्यूशन फी आज भी अदा करने के लिए तैयार हूँ. अभी भी स्टिल मैं देख रही थी एक रिसेंटली भी कोई फेक न्यूज आपके हवाले से आई. मैं उसका जिक्र मैं बोल भी नहीं सकती, वो अल्फाज कह भी नहीं सकती. और कुछ मेरी रहलत के बारे में, अल्लाह मैं सॉरी मैं कहना नहीं चाह रही थी. लेकिन कुछ एक दो चैनल्स हैं जो कि मुसलसल वो सिर्फ उनका ध्यान वो आपके ऊपर है. आप क्या चैनल्स नहीं है, वो एक दो इंडिविजुअल्स हैं. अच्छा. होते हैं हेटर्स भी जो होते हैं ना. वैसे इस वक्त मैं कैमरा के सामने, ये इंकशाफ मुझे मजबूरन करना पड़ रहा है कि मैं बाकायदा मेरी हर नमाज में उनके लिए दुआ होती है. अच्छा. ये आज की नहीं है, कई साल पहले से, कि जो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं ना जी. एक दफा मैं इतना तपा हुआ था कि मैंने सोचा कि मैंने ना आज उनके लिए बददुआ करनी है. अच्छा. और ये उन दिनों की बात है जब मैं बहुत क्राइसिस में था. आप न्यूज का शिप डूबता नजर आ रहा था मुझे, तो वो टाइटैनिक था, बीच में से टूट चुका था. बाज लोगों की कुछ उसमें शौहरी कोशिशें भी थी. वो बाहर बैठे आज भी पसे पर्दा, बहुत से लोग अपनी कोशिशों में. जी 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 जी. वो आप हमें बताएंगे नहीं, मुझे पता है. डेथ विश आपके काम पे, आपके हुनर पे, आपकी इज्जत दौलत शोहरत, हत्ता कि आपकी जिंदगी पे भी ना, उनको एक डेथ विश होती है. तो मैंने उस दिन फिर अपने आप से बात की कि अच्छी बात है कि तुम अल्लाह से कहोगे कि उनका बेड़ा गर्क कर दे, तो शर्म नहीं आएगी.
खुदा क्या कहेगा तुम्हारे बारे में, अपनी तरफ से तुम बड़ा लेक्चर देते हो सबको। बाज़ औक़ात जैसे होता है बड़ा भाई होना आपको बहुत नुकसान में जाती है चीज़, अल्टीमेटली वो फायदा ही होता है कि यार नहीं मैं बड़ा हूँ लोग क्या कहेंगे, बड़ेपन का मुजाहरा करना है, मैंने ये करना है। नॉर्मली तो मैं बड़ी छोटी बड़ी मीन सोच रखा करता था एक जमाने में, बड़ी आम बड़े सिफले ख्याल आते नहीं लगता। नहीं नहीं अब आके ना अच्छा, जब मैं एक सहाफी से एकदम एक मुबल्लिग बन के बैठ गया एक सीट के ऊपर और लोगों ने मेरी बात सुननी भी शुरू कर दी, अल्लाह ने उसको शोहरत भी बख्शी, तो फिर मैंने महसूस किया कि मेरी सोच जो है ना, सोच को तो बेहतर करें। वो दिन और आज का दिन, उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पहला दिन था जब मैंने किसी के लिए बाकायदा बद्दुआ करनी थी नमाज में, अच्छा मैंने नहीं की, अल्लाह ने मुझे इससे भी बचाया। तो एज ऑफ टुडे अभी थोड़ी देर पहले मैं, क्योंकि वो नमाज का एक एक हिस्सा होता है दुआ जो है ना, तो मेरी दुआ थोड़ी सी राइम्स में होती है, अच्छा पोएट्री में होती है, तो उसमें उन लोगों का बाकायदा तस्करा होता है कि उन्हें भी हिदायत दे, मैं उनके लिए हिदायत मांगता हूँ। तो हिदायत से बड़ा तो अल्लाह के खजानों में मैं समझता हूँ सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा जो गौरे नायाब है वो हिदायत है। उसके बाद फिर सेहत है, उसके बाद फिर तंदुरुस्ती है, उसके बाद फिर मोहब्बत है और बहुत कुछ है, लेकिन हिदायत जिसे मिल गई ना समझे 80%। तो जो लोग इस वक्त हमारी डेथ विश हमारे बारे में, हमारे शो के बारे में, आई कांट बिलीव इट कि कोई ऐसा भी सोच सकता है, कोई इतना नेगेटिव भी मेरी जात के बारे में, वो सारे नहीं इतने से हैं। आपने कभी ये देखा कि नीचे लोग दुआएं देने वाले कितने होते हैं? बेशक बिल्कुल, आपके फैंस आपके चाहने वाले तो करोड़ों, मैं कहती हूँ मतलब अरबों की तादाद में पूरी दुनिया में फैले। अच्छा अगर नहीं भी कोई फैन ना भी हो ना तो वो भी फिर जो है ना सीरियस हो जाता है यार ये क्या बात है, आपने किसी को जेर करना है ना, किसी को शिकस्त देनी है, तो ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तानी हॉकी एक जमाने में होती थी, लोग दुआएं करते थे या अल्लाह ये सब शर्ट्स जो है ना ग्रीन शर्ट्स ये डिस्क्वालिफाई हो जाए कि ये इन्हें हराया नहीं जा सकता। क्या समीउल्लाह, क्या कलीमुल्लाह, क्या हसन सरदार, क्या अख्तर रसूल, क्या इस्लाउद्दीन शेरवानी, मुनवर उज़्ज़मा, मंजूर जूनियर, मंजूर सीनियर, एक से बढ़कर ये क्या कॉम्बिनेशंस थे। और ये वाकई टीम लगता था यहाँ जमीन पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, जमीन पे बनी नहीं, ये चांद पे बन के भेजी गई है, इतनी शानदार, ये पोएट्री थी, ये हॉकी नहीं थी। अच्छा माशाल्लाह आपने मतलब पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिकल सितारे शोज की बुनियाद रखी है, काफी लोग हैं जो आपकी इस चीज को फॉलो करते हुए कहां से कहां निकल गए, बल्कि इनफैक्ट हमारी टीम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके उस तरीके को अपनाते हुए आगे से आगे पहुंचते जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं, मतलब कॉम्पिटिशन बन गए हैं? नहीं 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 नहीं, ये एक ये जो ये शो है ना, जो जी एक साइंस है ये शो, इसको शो बनाना पड़ता है। फार्मूला क्या है वो? फार्मूला इवन मुझे नहीं पता। अच्छा, वहां बैठ के बनाना पड़ता है कि इसको आज इस तरह खेलेंगे, आज इस तरह करेंगे, आज मौसम ऐसा है, आज इस तरह चलेगा, इस महीने में इस तरह चलेगा, इन दिनों में इस तरह चलेगा। ये इतना आसान नहीं है कि यहां पर आके एक खिलाड़ी मुझसे खेल, वो पहले से बड़े एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी थे, फर्क सिर्फ कैमरे का ना, कट क्या होता है, अपने कट पे बोलना है, अपनी बारी पे बोलना है, बीच में नहीं बोलना, और जहां जहां आपको डायरेक्टर लेके जाए उस हिसाब से चलना है। ये चीज एक ऐसी थी जो अमानुल्लाह जैसा खलंडरा नटखट शख्स जिसने वादा किया होता कि मनमानी करनी है, किसी की बात नहीं माननी, तो वो भी सीख गया, और जब उसे समझ आई तो उसने कहा नहीं भाई नहीं, वो बोलता था तो एकदम कहता ना 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 सॉरी सॉरी मैं गलत टाइम पे बोला, मेरा कैमरा मेरे ते नहीं है गासी, अब दोबारा वो कहते थे मेरी लाइन दोबारा करो, मैंने फंबल किया बिल्कुल। तो ये चीजें समझना जो है ना, दिस इज 5-10% मायरा, असल चीज इसकी साइंस है, असल चीज इसका फार्मूला है, और ये नहीं कि ये फार्मूला ये कोक और पेप्सी के फार्मूलों की तरह किसी बैंक में किसी लॉकर में महफूज है, इसका फार्मूला यहाँ पे है। मेरी दुआ है अल्लाह करे कि 5-7 नए डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स राइटर्स आए, वो बनाते हैं, आप लोग शो नहीं बनाते, आप लोग प्लेयर्स हैं, आप लोगों ने खेलना होता है, गोल करना होता है, डिफेंड करना होता है, ऑफेंस देना होता है, गेम कोच बनवा रहा होता है बाहर बैठा, कोचिंग जो कर रहा होता है ना, कप्तानी भी उसी की होती है, कोचिंग भी उसी की होती है, साइंस भी सारी वो जानता है। तो इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि कोई कोचेज आए नए, खिलाड़ियों से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, जितने खिलाड़ी यहाँ से गए हैं दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, दे आर ऑल बाबर आजम्स। अच्छा, कोई भी उनसे ना उनसे कोई भी काम नहीं है, इस वक्त जब बैठे हैं मेरे पास वो भी बाबर आजम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बाबर आजम टकेगा नहीं अगर इसको अच्छा खिलाने वाला ना।
तो ये जो भी हमारे साथी जो हमारे सबका प्लेयर्स गए हैं यहाँ से, उनमें से आपको कौन लगता है कि अपनी जगह बना लेगा? जैसे आगा माजिद और सलीम अल बेला हैं और हनील बेला हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन इनमें बेहतर प्ले कर सकता है? अगर इन्हें उस साइंसदान मिल गया जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ तो सारे बना लेंगे, सारे बना लेंगे। ना मिला तो फिर सारे डूब जाएंगे। तो किसी एक से भी नहीं, डूब नहीं जाएंगे। अच्छा, ये वहीं रहेंगे। अच्छा, इनका काम कामयाब होना नहीं है। अच्छा, मैंने देखे आप आर्टिस्ट को देख लेते हैं और आप उसके, आपको पता है कि किस आर्टिस्ट से किस तरह से काम लेना है। अब मैं अपने बारे में पूछना चाहूंगी, मेरी ऐसी क्या वीकनेसेस हैं जो आपको लगता है कि मायरा की ये चीज ऐसी है और ये इसको इस तरह से मैं करवा सकता हूँ काम? तुम्हें अप्रिसिएशन मिले, अच्छा, तो तुम अच्छा करती हो। लेकिन जो बेस्ट प्लेयर्स मैंने देखे हैं, बेस्ट प्लेयर्स जिन्होंने आज तक मुझे इम्प्रेस किया, वो इसके बरक्स हैं। अच्छा, उन्हें गुस्सा चढ़ा दो। अच्छा, अमानुल्लाह मैं देखा है, अमान आपके सामने बिल्कुल देखा, अमानुल्लाह ऑन नहीं हो रहा होता, उसको टर्न ऑन करने का बेस्ट बटन उसको गुस्सा दिला, गुस्सा दिला रहा। हमारा जफरी जी, इवन जफरी को तबाह दो ना तो जफरी का बटन ऑन हो जाता है, वो फिर अच्छा खेलता है। आप पे डिपेंड करता है, आपका आस्ताना एक दर्शगाह है, फिर ये आपकी शिकस्त है अगर आप परफॉर्म। रंगीले ने तो एक ही तरह का काम करना, बिल्कुल, ये आप पे डिपेंड करता है कि उसका कौन सा सौदा बिकवाना है। अच्छा। किसी का फिक्रा बिकता है, किसी के एक्सप्रेशंस बिकते हैं, किसी की बोरियत बिकती है कि वो बोरियत ना करता है, किस अंदाज है, तो किस अंदाज से करता है। अच्छा, वो बोलना शुरू करते हैं और हम लोग वहीं से, हमारा सबसे बुरा हाल हो जाता है। रंगीला साहब कमाल है वैसे, बुनियादी मकसद तो ये होता है, बिल्कुल। और रियल लाइफ में वो जितना क्यूट कैरेक्टर है, बिल्कुल, शायद ही कोई हमारी टीम में कोई ऐसा बंदा हो, बिल्कुल जेन्युइन, जेन्युइन, जेन्युइन मिट्टी में गुंदा हुआ इंसान, गुंदा हुआ। आप किससे इंस्पायर हैं, आपके उस्ताद कौन है जिसको आप मानते हैं कि भाई उनको देखकर आप इस तरफ आए? यावर रियाज साहब कहा करते थे कि जब मैंने डायरेक्शन शुरू की ना तो उनकी शागिर्दी इख्तियार की और मुझे ये फख्र हासिल है कि उन्होंने कभी किसी को शागिर्द नहीं बनाया। अच्छा, नेवर, आई एम द ओनली वन। वाओ। और पहले उन्होंने इनकार कर दिया, मैंने चिड़ में आके काम शुरू किया, एक ड्रामा बनाया, उसकी चौथी किस्त चली तो मुझे कहते चंद जी मैं अपना फैसला वापस लेना, तुझे आज तो मेरी शागिर्दी है। मैं कहती अब तो मैं कर चुका हूँ, कहता नहीं इसमें मेरा हाथ है बड़ा। तो मेरे लिए सादत थी फिर उनके साथ बैठना, लॉन्ग डिस्कोर्स सिक। तो इसमें मेरी इंस्पिरेशन भी, मेरा उस्ताद भी यावर हयात थे, उनके अलावा कोई और नहीं। और अदरवाइज मैं बोल बोल के, मतलब डिबेट्स हो गई और बाइलिंगुअल गवर्नमेंट कॉलेज में भी हम दोनों लैंग्वेजेस का वो सारा सा, यही वजह है कि अब लूज कैनन देख लें अल्लाह के फजल से। लेकिन सारी टीम जो है वो अलील है, सारी टीम अलील, सारी टीम? जी 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 जी, प्रोड्यूसर क्या, एपी क्या, उसके माँ सिवाय एक मेरे और अंकल जी के, एफएसजे के, बाकी सारे बीमार थे। तो हम रमजान के बाद इंशाल्लाह, ये हो सकता है रमजान में ही उसको टच करना शुरू करेंगे वंस अ वीक। कभी आप ऐसा हुआ कि कुछ लिखते लिखते आप स्टक हो गए हो कि इसके आगे क्या लिखना है, फिर आपने जफर साहब से कोई हेल्प ली हो? नेवर, नो नो, जफर साहब से मैंने जब भी ली है शेरी। अच्छा। हद तक, क्योंकि जफर साहब को मैं गुरु मानता हूँ शेर में। अच्छा, नसर में नहीं, ही राइट्स वेरी गुड प्रोज, बहुत अच्छा उनका अंदाज है, लेकिन मैं उनसे बड़े असातिज़ा के मानने वालों में से हूँ। अच्छा, ये मैं बिल्कुल उनसे बड़े। अच्छा, मतलब घर में है तो इसलिए शायद? नहीं नहीं नहीं, घर में भी, शायर भी तो घर में है। वो इतना बड़ा शायर है कि मैं बड़ा फख्र करता हूँ कि मैं उस आबो हवा में सांस लेता हूँ जिसमें इतना बड़ा शायर रहता है, इतना बड़ा शायर रहता है, माशाल्लाह। लोगों को इदराक नहीं, और मेरी बदकिस्मती कि मैं उनका बेटा हूँ। मैं अगर जफर इकबाल का बेटा ना होता, सिर्फ उनका मदा होता, तो मैं इतना ना कह रहा होता, मैं कहता इतना, मैं इस तरह करके, इस तरह से मैं गुफ्तगू करता। अच्छा, बिल्कुल, हमें आप करेक्शन हमारी कराते रहते हैं बताने के लिए। हाँ। कि वो कितना बड़ा शायर है। लेकिन नसर में मैंने जफर साहब से मजाक की हद तक कोई थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली, अदरवाइज मैं उनसे, हाँ, लफ्ज की तसी कभी तलफ्ज, मेरे तलफ्ज का बड़ा गहरा ताल्लुक जफर इकबाल साहब के साथ है। शो देखते हैं वो, कुछ कभी तनकीद भी की हो कि ये क्या कर रहे हो और ये कैसे कैरेक्टर्स हैं, कुछ इस तरह के कभी? जफर साहब की हैसियत इस शो के मामले में वो हो चुकी है जैसे एक राइटर का जो रीडर होता है ना, तो वो मैंने किसी एक अच्छे राइटर ने, गालिबन शफीकुर रहमान ने लिख रखा है कि एक साहब किसी राइटर को पढ़ते हुए हंस हंस के बेहाल हो रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा
कि भाई क्या पढ़ रहे हो। अच्छा। जी मैं ये किताब उनकी पढ़ रहा हूँ। ये तो बड़ी संजीदा किताब है। तो मुझे नहीं पता, मुझे उनके स्टाइल में अच्छा। मजा इतना मिलता है कि अच्छा। और जफर साहब मेरे शो के साथ, हमारे शो के साथ इस तरह हुक्ड हैं कि उन्हें कोई चीज नागवार गुजरती ही नहीं, और हर प्लेयर का उन्होंने खाना बना रखा है। अच्छा। वो जिसके नसीब में दो या तीन लाइनें भी होती हैं ना, वो उसे भी एंजॉय करते हैं। मैं किस खाने में हूँ? आपको बहुत पसंद करते हैं। आपका खासतौर पे वो सहर वाला कैरेक्टर। सहर वाला। सहर इज अ सुपर हिट कैरेक्टर। सहर एक ऐसा कैरेक्टर है, मैं आपकी, लोग तो ये समझते हैं ना कि आप परफॉर्म बड़ा अच्छा कर रही होती हैं तो मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ, या मैं उसमें बतौर एक खाम खा वो एक बातें बनाए रखे हैं। मुझे वो जो है ना, एक मैं आपके अगेंस्ट। हाँ। मतलब आज जो जो कल हमारा ब्लूपर चला है वो अच्छा। भी ऐसा ही है जिसमें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें असल चीज एंजॉय करता हूँ, बब्बू राणे की इन्वॉल्वमेंट, उनका जो रिएक्शन आता जी है। उसका बातें हम कर रहे हैं उसमें हमारा अपना अपना पूरा टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है, हमारा रिएक्शन बड़ा अच्छा है, और मैं हालांकि एक्टर नहीं हूं लेकिन मेरी वो बेसाख्तगी के साथ ही ऐसी वो बिल्कुल बेसाख्ता होती है। अच्छा होता है तो आपके सामने ही, लेकिन बब्बू राणा उसको ह्यूमरस बना देता है। बिल्कुल। कि उसकी बात मैं बेपना एंजॉय, मसलन आपको याद है हमारे यहाँ एक दफा एक आई थी वो डॉक्टर भट्ट जो लाफ्टर थेरेपी करवाती थी, आप उन दिनों नहीं थी शायद, वो हंसाती थी जिन दिनों कोविड नया नया आया ना, तो उनके जी आपने हंसना है डॉक्टर स्थाना की तरह, लाफ्टर थेरेपी है, तो तुमने ये करना है, सारे करें हा हा। अब मैंने सख्त चेहरा बना के मुंह यूं करके बैठा कि मैंने तो नहीं है। मैं जितना मर्जी सख्त गिर हूं लेकिन जिस तरह मेरे आगे से कॉमेडियंस रिएक्ट करते थे ना उस बीबी की पिंदो नसाए पे, उस पे मुझे बहुत हंसी आती थी, बहुत हंसी आती थी कि वो बेचारी अपनी तरफ से हंसाने की एक अजीब सी भोंडी सी कोशिश कर रही है और उसे नहीं पता कि हंस नहीं रहे, आगे से मजाक उड़ा रहे, तो उस पे मुझे बहुत हंसी आती थी। तो इस तरह हमारी बातें जो मेरा और शहर का जो एक आपस में डुओ जो एक चलता है उसमें बब्बू राणा इसको जिला बख्शता है। काफी ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि इस टीम में बन गए आते साथ ही, हीर का बन गया, फिर फरी का बन गया, फिर राधा, फिर पता नहीं क्या कुछ। नहीं लेकिन ये बहुत लास्टिंग प्लेयर्स नहीं थे, मतलब राधा को भी खूबसूरती बख्शी है नासिर चनियोटी के रिएक्शन, वो उसका डरना, गब्बर सिंह का डरना कि राधा साहब तुसी जाना करो। यानी गब्बर सिंह है और उसे कह रहा राधा साहब, क्योंकि वो रूह है ना, रूह है। तो इसमें कमाल उसका, इसके अंदर कमाल आपका है। सहर आपको हीर की तरह इस तरह बोलता कैरेक्टर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। फरी जैसा कैरेक्टर भी कम ही मिलेगा, राधा जैसा भी कम ही मिलेगा। ये कैरेक्टर ऐसा है कि आप जरा स्टूडियो, अब तो स्टूडियो बंद हो गए ना, क्या हालात, जब स्टूडियो ऑन थे तो मेरा आना जाना रहता था, तो आपका यानी कि टकराव हुआ ऐसे कैरेक्टर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इतनी सहर्ज हैं। अच्छा। यू हैव नो आइडिया। अच्छा। तो इसी तरह करते हैं, इसी तरह बोलते हैं। एक परसोना लड़की का जब तक वो बोले ना, हो सकता है ना जितना वो है, वो है। थोड़ी देर बाद उसने, मैं डायरेक्टर था उसका। अच्छा। तो मैं उसको देख रहा था कि लड़की बाजार को बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन काश ये पढ़ लिख जाती तो ये तो बड़ी कमाल की होती। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि इतना ही बुरा हाल है इसका। थोड़ी देर बाद कहती, सर शर्ट कौन से कलर की पहनो, कौन से कलर की पहनो, जैसे शहर कहती बुशर्ट पहना करें आप। तो अब उसने शर्ट कौन से कलर की पूछ लिया मुझसे, मुझे जवाब ही नहीं सूझ रहा था, मैं उसे क्या बताऊं कि शर्ट कौन से। अच्छा जी, ये तो होगी ना बातें आपके करियर के मुतालिक, और बाकी अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ आपकी जो पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ। कभी मोहब्बत हुई? कभी क्या बता? नहीं, मोहब्बत मुझे होती रहती है। नहीं, 5 साल पहले तक। अच्छा। अब तो बहुत इफाका है। अच्छा, इफाका तो, मतलब ये इसलिए कि मोहब्बत, वैसे तो मोहब्बत का कोई मौसम, कोई टाइम, कोई ऐसा वो नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ये किसी की बददुआ होती है आपका। वक्त बे वक्त मोहब्बत होते चले जाना, ये ऐसे वक्त बे वक्त भूख लगना, तो अल्लाह जिस पर बहुत करम करता है उसको मोहब्बत का तोहफा देता है कि उसे मोहब्बत हो, क्योंकि आप प्लास्टिक तो नहीं, अगर नहीं हो रही ना मोहब्बत तो फिर याद रखिए अल्लाह आपसे खुश नहीं, क्योंकि आप फिर नेचुरल नहीं है, आप प्लास्टिक के बने हुए। तो अल्लाह जिस पर खुश होता है उसे मोहब्बत करने की सलाहियत देता है। घर में कैसे हैं आफताब इकबाल, ऑन कैमरा, बिहाइंड द कैमरा कैसे हैं? मैं घर में बहुत सी चीजों में कंट्रोवर्शियल हूँ।
अच्छा हाँ हाँ क्यों? मेरा मेरे से इश्क करते हैं मेरे बच्चे। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन वो मेरी हर चीज के साथ एग्री नहीं करते। जैसे कि? जैसे मैं मेरा बोलने का अंदाज, मेरा बाज़ोकात एक झगड़ालू सा, और मैं समझता हूँ मैंने बहुत अपने आप को इम्प्रूव अपने बच्चों की वजह से भी किया। मेरे ये जो खास तौर पे मंजली बेटी है ना जो, ये ना सिर्फ माहिर नफ्सियात बन रही है, अच्छा ये मेरे पे प्रैक्टिस भी करती है। अच्छा। तो इसका डाइसेक्शन फ्रॉग मैं ही हूँ। अच्छा। तो मुझे मेरी हर बात को कहती है ये प्रोजेक्शन, ये बाबा ये प्रोजेक्शन के जुमरे में आता है, आप इस वक्त जो कर रहे हैं ना इसको, वो जितना कुछ पढ़ती है प्रैक्टिस मेरे पे करती है और उसकी बात में अल्लाह ने असर इतना रखा है मेरे दिल में, उसकी बात उतरती है। फिर मेरी बेगम की जो बंदो नसाए है वो भी, वो गो के उसकी बातों में इतनी नसीहतें होती हैं, इतनी नसीहतें होती हैं कि, लेकिन शी इज अ रिमार्केबल पर्सन। उसके होने से मुझे लगता है जैसे कि जो है ना एक शजरे सायादार होता है, जैसे बुजुर्गी जो होती है पीराना साली नहीं होती, बुजुर्गी एक लहजा होता है जो मेरे में आ ही नहीं सकता। मैं चाहे 150 साल का हो जाऊं ना, मैंने एक अंदर मेरे खलंडरापन, शरारत, जुगत शुरू से वो है, शुरू से, और वो तब तक रहेगी जब तक मैं हूँ। जिस दिन ये सांसें खत्म होंगी अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, से वो सिलसिला तो होना है ना सबके साथ होना है। बेशक वो तो कोई शक, तो नसरीन जो है वो मेरी हर चीज पे मेरी फैन नहीं है, नहीं है, नहीं हर चीज की फैन नहीं है, या शायद मेरी गैर मौजूदगी मेरी तारीफें करती है वो। अच्छा। और हमेशा असल तारीफ तो होती एब्सेंशिया में रेफरेंस जो होता है ना, असल चीज तो ये मुंह पर वो इसलिए नहीं करती कि शायद उसे ये अंदाजा है, और ठीक अंदाजा है कि मैं चौड़ा हो जाता हूँ। तो इसलिए, लेकिन जिन लोगों नहीं तो आपने मतलब जब माशाल्लाह आप, आपकी एक अच्छी शादीशुदा, वो मेरी फैन नहीं, मैं उसे फैन नहीं बना सका। आपने कैसे उनको प्रपोज किया, कैसे आपने उनको, उसमें भी मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। अच्छा। कि हम क्लास फेलोज थे। किस चीज से मुतासर हुई थी वो? ये मेरी किसी चीज, ये मेरी हर उस चीज को मद्देनजर रखती थी जिससे आप मुतासर ना हो। अच्छा। मतलब मेरा ख्याल है सारा वक्त वो घर बैठी लिखती रहती थी कि आफ्ताब के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। अच्छा। तो मेरी कोई एक भी खूबियां, तो मेरे जैसे बंदे के बारे में हमेशा कहता हूँ कि मेरे बारे में अगर जानना है ना, मेरी जो 1.5-2 खूबियां हैं वो तुम्हें पता चलेंगी 2.5-3 महीने मेरे साथ। हम पंजाबी में कहते हैं हंडो, मेरे नाम हंडो, हंडो तो सही ना, आप पता ही हंडो लफ्ज आपको नहीं पता होगा, ये हमारा जंगली लफ्ज है, कोई चीज हंडाना। अच्छा। कोई चीज हंड जाती है ना, कि हंड थोड़े कपड़े हंड जाते हैं ना, तो वर्न आउट हो जाते हैं, तो देन यू थ्रो देम अवे। तो मैं क्लास में जब स्मोकिंग करता था, अच्छा, तो ये उसको सख्त नापसंद थी। फिर पंजाबी के मुहावरे जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो भी उसे नापसंद थे। उसे एक हलीमी और एक ऐसा स्टाइल पसंद था जो एक नफीस आदमी का होता है। मैं उसे कहता हूँ कि नसरीन तुम्हारा शौहर बहुत ही नफीस होना चाहिए था, कोई बड़ा पढ़ा लिखा भी हो, हलीम तबा भी हो, इंतहाई नफीस भी हो, और हंसे ऐसे कि ये मैक्सिमम है। हम कहका लगा के छत शगाफ जब तक कहका ना लगाएं तब तक हमें मजा नहीं आता, वाकई नहीं आता। बच्चे उससे वाकई सीरियसली कहते होते हैं कि चलो मामा उसकी तो लॉटरी निकली थी, तेनू की तेरे सर्च की वजह कि यू एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। नसरीन इज वेरी रिलीजियस, और रिलीजियस वो जो मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है कुरान क्लास का जिस तरह तमाम करना, माशाल्लाह, जिस तरह फिर मसाइल के ऊपर बैठ के घंटों हम डिस्कशन करते हैं, हमने पॉलिटिक्स डिस्कस करने बैठना होता है, पॉलिटिक्स को 5 मिनट मिलते हैं, ज्यादा 35 मिनट हम रिलीजियस मामला, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज इन टिपिकल रिलीजियस पर्सपेक्टिव में। अनफॉर्चुनेटली उसके बच्चों में वो चीज, वो जो जौके आगे ही है ना दीन का, वो नहीं आ सका। अच्छा। लेकिन पाबंद है वो, फॉलो करते हैं जी, 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 अल्लाह का असल चीज अल्लाह का कांसेप्ट, बिल्कुल बिल्कुल, कि वो आपकी हर चीज में शरीक है, वो आपको हर हाल में देख रहा है, बस ये बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मेरी जिंदगी सही मानों में सन 2001 के बाद शुरू हुई थी, उससे पहले मेरी जिंदगी एक फजूल जिंदगी थी, बेकार जिंदगी थी। मैं हमेशा कहता हूँ, ये पहली दफा नहीं कह रहा, इसलिए कि मैंने जिंदगी में यू टर्न 2001 क्या था टर्निंग पॉइंट, ऐसा क्या हुआ? तारीख बता सकता हूँ आपको, जो मेरी एनिवर्सरी, मैं शादी की एनिवर्सरी इस तुझको एहतशाम से नहीं मनाता। अच्छा। मैं अपने बर्थडे इस तरह नहीं मनाता जिस तरह मैं 27 अक्टूबर मनाता हूँ, वो मेरी लाइफ में यू टर्न था। अच्छा। मैंने सब वाहियातियां छोड़ दी। ऐसा क्या हो गया? अल्लाह के तरफ से शर्मिंदगी इतनी होनी शुरू होगी, अंदर से प्रिकिंग इतनी शुरू, और ये मैं समझता हूँ उसका उसका मेरे पे करम था। हमेशा मैं कहता हूँ कि अल्लाह से उसका फजल
उसका रहम ही नहीं मांगना चाहिए, उसका कर्म भी मांगना चाहिए बिल्कुल, जो बगैर मांगे आपको देता है। बिल्कुल, ये उसका कर्म था मुझ पे। और मैंने फिर तौबा की, मैंने कहा कि या अल्लाह मैं आज से ये सारा वो दिन और आज का दिन अल्लाह मुझे उस तरफ लेके नहीं जाता। आपके जो माशाल्लाह बेटियां हैं, किस में आप देखते हैं कि इसमें मुझे आफ्ताब इकबाल नजर आता है ज्यादा? ये मैं उसकी वजह से बड़ा अफसरदा भी हूँ। किसकी वजह से? शान से मंजली जो है ना, उसमें अच्छा। मुझे आफ्ताब नजर आता है। अच्छा, लेकिन मुझे फिर तशफी भी हो जाती है कि उसमें थोड़ी सी नसरीन भी है। अच्छा, वो अनगाइडेड मिसाइल नहीं है जैसे मैं अनगाइडेड था ना। आई वाज एन अनगाइडेड मिसाइल। मुझे तो 2001 से पहले मुझे तो काम खराब कर, आई वाज अ स्पॉइलर। काम जहां खराब करवाना हो मुझे साथ ले चलो। अच्छा, तकरीब बर्बाद करवानी हो, हस्ती बस्ती मैंने ही बनाई तरकी, उसको बेहतरीन कर दिया, और जहां किसी ने टेढ़ी बात की फौरन से गुस्सा आ गया। मेरी ईगो यूं होती थी जैसे एकदम नीचे गिर जाती। तो ऐसा ईगो, ईगो का मारा हुआ मैं शख्स था। तो अल्लाह ने फिर जब बहुत सारी अताएं की तो ये भी एक हो गई, मैंने ईगो को कभी आने नहीं दिया सामने। तो बच्चों में किसी को इंटरेस्ट है सिर्फ आने का शोबिज़ में, लाइक शो कोई? आयशा इज द ओनली वन। अच्छा, आयशा को है भी, और आयशा बाहर से भी यही पढ़ के आई है वलायत से। अच्छा, और अफसोस सिर्फ ये है कि आयशा को उस तरह का जैसा मैं राइटर बनाना चाहता था। अच्छा, क्योंकि बुनियाद राइटिंग है। राइटर तो मेरे ख्याल से कि आप में वो खुद से एक नहीं, राइटर आप बनाया जा सकता है। वो शायरी होती है, शायरी शायर या होता है या नहीं होता। जैसे मैं नहीं शायर था, जबर साहब तिल लगा लेते, मैंने शायरी नहीं करनी थी, मेरे अंदर शायर था ही नहीं। तो राइटर तो हर एक में होता है, जो खत लिखना जानता है वो राइटर है। कुछ तो लिखो ना यार, तुम्हारा दादा इतना बड़ा राइटर है, तुम्हारा बाप राइटर है, तुम्हारी माँ राइटर है, तो व्हाई नॉट यू? और इतना अच्छी तालीम तुमने बीएनयू से तुमने तालीम हासिल की। बीएनयू इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, विंचेस्टर से पढ़ के आई हो। वो कोई छोटी जगह, राइटिंग वो करती है, अपने ब्लॉग्स व्लॉग्स वो लिखती है, लेकिन राइटर वो है जिसकी खुशबू, जिसकी महक बताए। हांडी वो होती है जिसका सब पूछे कि यार क्या पक रहा है, क्या नहीं, वो बताएगा क्या पक रहा है, क्या पक रहा है। आगे जैसे मैंने सुना था कि आप सोच रहे हैं कुछ शो से थोड़ा सा एक चेंज करना चाह रहे हैं कुछ चीजों को। इस शो का मैं एक नाम रखना चाह रहा हूं। अब मैंने नाम इसका जो है ना, अब मैं भागा ना, अब के भागा नहीं, प्लीज आप ना भागिएगा। मैं नहीं भागता, हम सब भागते हैं, तुम साथ होती हो। अच्छा, अब के अगर भागे तो हम इसका नाम कंबल नाक रखेंगे। कंबल कंबल उड़ा हुआ निकल, ये कंबल है जो हमारी जान नहीं छोड़ रहा। हाँ। ये शो हैज बिकम अ कंबल। कोई एक शेर आपके जहन में आता हो जो आपकी आपकी लाइफ को पूरी तरह से शहर वाले हरकतें तो मुझसे शेर नहीं, मैं प्लीज एक शेर सुना दो। शेर, अब सारे शेर तो मैं जिसमें आपकी लाइफ का वो एक अकासी करता हो कि भी ये शेर ये है जी आपकी लाइफ पूरी। ऐसे सीधा सीधा सा एक बड़ा उम्दा शेर है जफर साहब का, दिल का ये दश्त अरसाए महशर लगा मुझे, वाह मैं क्या बला हूँ रात, बहुत डर लगा मुझे। वाह वाह वाह, जबरदस्त, अमेजिंग। अब मैं आपके साथ करने लगी हूँ रैपिड फायर। जी जनाब। अभी तो मैं आपसे जो क्वेश्चन करने लगी हूँ उसमें आपने रैंक करना है उनको उनकी एक्टिंग की बेस पे, ठीक है? जो एक्ट्रेस के नाम लूंगी, आगा माजिद, हनील बेला, बब्बू राणा, असद कैफी, जफरी खान एंड मायरा खान। बब्बू राणा नंबर वन। बिलाशुबा। अच्छा, एंड नंबर टू? जफरी खान। जफरी खान। नंबर थ्री? असद कैफी। वाओ। एंड नंबर फोर? मायरा। अच्छा, थैंक यू। अब अंदाजा कर लो कि किसी वजह, ये नहीं कि वो यहाँ से जा चुके हैं, उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा। नासिर चुनौती और जफरी खान ये इससे मुस्तस्ना है, ये प्रोफेशनल्स हैं, दे आर ओलंपियंस। ये बाकी के तो यंगस्टर्स हैं ना अभी, ये तो वर्ल्ड क्लास है, जिसको आप वर्ल्ड क्लास कहते हैं। नासिर के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ इज अ क्लास अपार्ट। डिपेंड करता है कि वो किसकी छत्र छाया में खेल रहे हैं। उन्हें फ्रांसिस फोर्ड कोपला खिला रहा है या कोई और खिला नाम नहीं लेना तो इसलिए डिपेंड करता है। अगर वो यावरियन स्कूल में खेलेंगे, यावरियन तो, अच्छा तो यावरियन, तो वो फिर बहुत बेहतर खेलेंगे। दैट मींस के जो हनी अलबेला एंड आगा माजिद हैं वो फिर हनी सलीम आगा माजिद, ये अगर मैं इन्हें खिलवाऊं तो कच्चा खा जाने वाले प्लेयर है। अच्छा जी, आप एक कश्ती में बैठे हैं, कश्ती डूबने वाली और आपने किसी को बचाना है, ठीक है? और उसमें आपके साथ हैं जरदारी साहब, मियां शहबाज शरीफ और इमरान खान, आप किसको बचाएंगे? किसी एक को बचाना है आपने। मैं कश्ती को बचाऊंगा। इनकी कह रहे सब। अच्छा, इनकी कह रहे कश्ती बचनी चाहिए। एक चीज आपने चूज करनी है, हंटिंग या जिम? जिम ऑफ कोर्स, जिम। हंटिंग तो अगर आप मुझसे 3 साल पहले पूछती तो मैं कहता जी हंटिंग अब नहीं, नॉट एनी मोर।
ऐसा क्या हो गया कि आपने बिल्कुल ही नो लगा दिया? बस छोड़ दी। हंटिंग में किसी की आप जान लेते हैं, आप मारते हैं किसको, कत्ल करते हैं, दिस इज अ ब्लड स्पोर्ट। ये जब तक बात थी ना हार्वेस्टिंग की हद तक, कि वरना बर्ड फ्लू का शिकार हो जाते हैं जानवर परिंदे, जो यहाँ के नेटिव्स हैं, जो बाहर से आते हैं उनकी तो खैर है, वो तो बाहर से आए उन्होंने चले जाने, अगले साल फिर आ जाएंगे। लेकिन ये जो यहाँ तीतर का हशर हमने किया है, तीतर नेटिव है, तीतर बाहर से नहीं आता। अच्छा, तीतर यहाँ का है, बटेर बाहर से आता है, तिलौर बाहर से आती है, मग बाहर से आता है। अच्छा, ये सारे बाहर से आने वाले जो है ना, इन्हें लोग बेदरेग मारते हैं कि ये कौन सा मारे हैं जी, मार। ये भी बात गलत है, लेकिन यहाँ जो तीतर का हशर हमने किया है, वो दैट इज वेरी रॉन्ग, वेरी बैड, वो नहीं करना चाहिए। और मैंने अपने आप को फिर सजा देने के लिए कि मैं भी इस जिल्लत का हिस्सा रहा हूँ, मुझे उस वक्त तक नहीं अंदाजा था कि महकमे में किस, एक होती काली भेड़े, एक होती बदशकल काली भेड़े, ये वो थे। अब रिटायर हुए हैं बहुत सारे, अपनी कोठियां छोटियां बनाकर सुबह दोपहर शाम को शुगरें चेक कर रहा है अपनी, कोई अपना ब्लड प्रेशर और कोई डॉक्टरों का इलाज करा कर। इन्होंने जितना पैसा कमाया कार्डियोलॉजिस्ट खा जाएंगे या इनकी नालायक औलाद। अच्छा जी, आपने जाना है जी एक जजीरे पे और आपके पास ऑप्शन है, सिर्फ आप एक चीज लेके जा सकते हैं, आप खाना लेके जा सकते हैं, आप बुक्स लेके जा सकते हैं या आप नेटफ्लिक्स लेके जा सकते हैं, क्या लेके जाएंगे आप इसमें से? बुक्स का तो कोई नेवल बदल नहीं है, नेटफ्लिक्स एक हद तक आप देखेंगे उसके बाद वो खत्म हो जाता है, उसके बढ़कर उससे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, मैं आजकल भी एक सीजन असर नौ देख रहा हूँ, नया कोई ऐसा नहीं है, ब्लैकलिस्ट फिर से शुरू किया मैंने। अच्छा। वो स्पेडर मेरा बड़ा फेवरेट है, आई लव दैट मैन, मैं उस आदमी के लिए देखता हूँ, लेकिन मैं किताबें ले जाना ज्यादा पसंद करूंगा। खाने जाने का बंदोबस्त मैं कर लूंगा मुझे चाहे उसके लिए, मैं शिकारी भी हूँ, दहकान भी हूँ। अच्छा। मैं उगा भी लूंगा और मैं गिरा भी लूंगा, अगर खाने के लिए, अगर जिंदा रहने के लिए शिकार करना हुआ तो मैं जरूर करूंगा, इसमें तो कोई शक नहीं, आप बाकी कर लेंगे। अच्छा जी, चाय या कॉफी? बोथ। चूज वन। कॉफी। पोस्टिंग, डायरेक्शन या राइटिंग? राइटिंग। असल चीज तो ये है, आपका जो सेगमेंट है उसमें से कोई आपने एक सेगमेंट चूज करना है, फरंगे आसफिया या फिर इब्ने बतूता? फरंगे आसफिया। फरंगे आसफिया, बिला शुबा फरंगे आसफिया, जिसे मैं एंजॉय करता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत ही मजा आया मुझे और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। लास्ट में मैं कहना चाहूंगी, कोई मैसेज जो आप मेरे जो चैनल पे कुछ लोगों को कहना चाहें, कोई बात ऐसी? मैं लोगों से नहीं, आपसे कहूंगा, कंटेंट अच्छा रखें। आपको कभी शाउट आउट की जरूरत नहीं होगी, आपको कभी अपील नहीं करनी होगी, लेकिन ऑडियंस को वक्तन फक्तन ये भी कहते रहना चाहिए कि महज देखा ही ना करें, अप्रिशिएट ही ना किया करें, उसको क्लिक भी करें, सब्सक्राइब भी कर। जब आप सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक करते हैं ना, उस वक्त मजा आता है कि आप अपना हक के दोस्ती अदा कर रहे होते हैं, लॉयल्टी शो कर रहे होते हैं, तो इससे कॉन्टेंट में बेहतरी आने का इम्कान बढ़ जाता है। जब आपके ढेर सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएं, 1 मिलियन पे जाना चाहिए आपको, आप सहर हैं, आपको मजाक है, oh my God. आप फरी भी हैं, सहर भी हैं, हीर भी हैं, सारा कुछ है। मैं बल्कि प्लान करी थी आपके साथ सहर के अंदाज में 2-3 बातें करूं। वो वहां पे करो ना, वहीं पे करूं। चले सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। FSJ आ गए हैं।